आज मैं आपके साथ मसाले वाले काले चने बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही इसके साथ जो चने की दाल बनाई जाती है खाने के लिए, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इन्हें कैसे सर्व किया जाएगा, कैसे खाया जाएगा, इसको भी आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है चने की दाल और इस दाल को मैंने आधा कप लिया है और इस दाल को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो चने की दाल को हमें भिगा देना है। तो अगर आपके पास टाइम हो एक या दो घंटे तो आप इसे पानी में भिगा करके रख दीजिए, और अगर टाइम कम हो तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दीजिए और करीब इसे एक घंटे तक सोख होने के लिए छोड़ दीजिए। और अब इधर ये देखिए, ये है चना। तो काले वाले चने हैं ये, इन्हें मैंने रात भर के लिए भिगा दिया था। कम से कम 7 से 8 घंटे चने को भीगना ज़रूरी है। तो चने को पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अच्छे से इन्हें भीगना ज़रूरी है। और ये चने के मैंने पानी अलग कर दिया है और अब हम चलते हैं इस चने को कुक करने की प्रोसेस में। मसाले वाले चने आज हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कुकर में तेल लिया है। 1 से 2 बड़े चम्मच तेल इसमें हम लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसे बहुत अच्छा सा गर्म करना ज़रूरी है। तो जब तेल बढ़िया सा गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ज़्यादा सी प्याज इसमें लगती है, मतलब अगर हमने जितना चना लिया है तो उस हिसाब से मैंने कम से कम 2 बड़े प्याज लिए हुए हैं इसमें। और प्याज को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर कि मिर्ची वगैरह काट कर अलग से नहीं रखती हूँ, साथ ही साथ मेरा काम चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों मिर्चों को यहाँ पर काट करके ऐड कर दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे। ज़्यादा लाल बिल्कुल नहीं करना है प्याज को, बस इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने। चने डालते ही फटाफट से प्याज के साथ चनों को मिला लेते हैं और इस कुकिंग को हम हाई फ्लेम पर करेंगे। तो तेज़ी से क्या होगा कि चने में जो पानी लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। और उसी के बाद मैंने इसमें बहुत थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, मतलब मैंने इसमें ऐड किया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर लिया है मैंने। और इन सबको हाई फ्लेम के ऊपर मुझे जल्दी जल्दी से इस तरह से 3-4 बार मैं चम्मच चलाऊँगी तो ये भुन जाएंगे मसाले बहुत आसानी से। तो देखिए इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इसमें ऐड करेंगे करीब 1/2 कप पानी, मतलब पानी हमें इतना डालना है जितने में जितनी देर हमारे चने पकेंगे तो उतनी देर हमारे मसाले और चने जले नहीं। और मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन की कलियों से। और मैंने डाला है 1 चुटकी मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद कुकर का लिड लगाएंगे और इसमें प्रेशर आने देंगे। जैसे ही प्रेशर आ जाता है तो फ्लेम को लो करके इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर आपने सोडा ना डाला हो तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे पकाना होगा हमें लो फ्लेम के ऊपर। और अब ये देखिए, जो चने की दाल हमने सोक करने के लिए रखी थी वो सॉफ्ट हो गई है, मतलब इस तरह से करेंगे तो देखिए टूट रही है दाल। तो इतनी सॉफ्ट दाल हमें चाहिए है और मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है चॉप की हुई प्याज, करीब आधी प्याज है ये, और 1 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। हरी मिर्च इसमें बहुत अच्छी लगती है तो आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी धनिया डालेंगे, ज़्यादा सी धनिया, धनिया बहुत अच्छी लगती है धनिया के पत्ते। और मैंने इसमें डाला है कम से कम 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस से बहुत ही बढ़िया सा खट्टा सा टेस्ट आता है दाल का, तो ये ज़रूर से डालिए और ज़्यादा डालिए थोड़ा सा। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और बस कुछ नहीं करना है, दोनों को मिला, इन सबको मिला देना है बस। और देखिए दाल जो है बिल्कुल तैयार है। इसको 2-4 मिनट के लिए जब छोड़ देते हैं तो प्याज का थोड़ा सा पानी निकल आता है, तो उससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। वैसे अभी भी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसको चाहे आप ऐसे खाएँ, चाहे वो जो चना हम बना रहे हैं उसके साथ खाएं, किसी कैसे भी खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं और चने के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और अब ये कुकर में से प्रेशर रिलीज़ हो गया है तो चने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट सारा पानी इसमें ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। और देखिए अभी एक चने को उठाकर मैं चेक कर ले रही हूँ, तो देखिए इस तरह से मैंने दबाया तो देखिए चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इतने सॉफ्ट चने हमारे होने चाहिए, क्योंकि अगर चने कड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा चनों का। और आपने देखा कि मैंने इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डाले हैं। और जो थोड़ा सा पानी है उसे हम इवेपोरेट करा देंगे, मतलब गैस ऑन करके इस पानी को रख देंगे, सूख जाएगा जिससे सारा पानी। तो इस तरह से चलाते हुए हमें पानी को ड्राई कर लेना है। तो देखिए तेल ऊपर आ गया है और चने हमारे मसालेदार चने बन करके तैयार हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आपने देखा मैंने इसमें कोई चना मसाला, छोला मसाला कुछ भी नहीं डाला है। तो
तो बस अभी चने परफेक्ट हैं, बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो अभी अपने मसाले वाले चने बनकर के तैयार हैं, इन्हें चाहे इस तरह से सर्व करें, एक सेपरेट प्लेट में इसको सर्व करके इसके ऊपर प्याज डाल दें, पसंद हो तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं और साथ में चने की दाल अलग से एंजॉय कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग खाया जा सकता है, या अगर आपको ना पसंद हो, किसी और तरह से पसंद हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि चने को एक सेपरेट प्लेट में ले लीजिए, इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए चने की दाल जो हमने बनाई थी, और इसके बाद इसको भी ट्राई करिए। बहुत ऑसम टेस्ट आता है इसका, बहुत मज़ेदार लगता है। और मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।